आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्रोही की शूटिंग लगता है ख़त्म हो चुकी है। शरण मल्होत्रा ने अपनी एक मूवी का किया सेलिब्रेशन और सुरभि शरद आने वाले हैं जल्दी फिर से एक इंटरव्यू में। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेली मसाला दी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम बता दें हम शरद सुरभि से जुड़े अपडेट्स लाते रहते हैं और भी सीरियल से जुड़े अपडेट्स और बिहाइंड द सीन्स लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की खबर। तो हम आपको बता दें, आपने जो इन पिक्चर्स में देखा और देख भी रहे होंगे कि शरद ने अभी रिसेंटली अपलोड किया, आप उनके बाल बड़े देख सकते हैं। उन्होंने एक डायरेक्टर के साथ भी की है और अपनी दो अकेले भी है और उनकी और बच्चे की भी फोटोज आपने देखी है। तो इससे पता चल रहा है कि शरद लगता है उनका काम हो गया है शूटिंग का, क्योंकि आपको पता है विद्रोही के फर्स्ट BTS में हमने देखा था शरद के बाल बड़े हुए थे और यहाँ पे बड़े हुए हैं। इसका मतलब वो भी अपना प्यार के लिए भी इंटरव्यू कर पा रहे हैं और इंस्टाग्राम पे इतनी एक्टिविटी भी दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि शरण मल्होत्रा की लगता है शूटिंग में ऑलरेडी ख़त्म हो गई है, पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और विद्रोही जल्दी आने वाला है। तो आप विद्रोही के लिए कितना एक्साइटेड हैं कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बता दें शरण मल्होत्रा की मूवी एक जो 9 साल पहले आई थी सिडनी विद लव, उसके जी 9 साल पूरे हो गए। उसके एनिवर्सरी पर प्रोडक्शन कंपनी ने शरद की मूवी का एक छोटा सा पार्ट डाला था और उसी को शरद ने अपनी स्टोरी पे भी शेयर किया था। तो शरद सेलिब्रेट कर रहे हैं सिडनी विद लव का, आपको पता ही है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा आप में से कितने ने ये पिक्चर देखी ही है। तो अब हम अपनी फाइनल खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो ये है कि शरद सुरभि जल्दी ही इंटरव्यू करने वाले हैं एक साथ। आपको पता है बेपना इश्क की शूटिंग में शरद सुरभि बार बार एक साथ दिखते ही हैं। अभी भी पैंडमिक्स और भी चीज़ों के चलते वो एक साथ कमा रहे पिछली बार के मुकाबले, लेकिन अब ज़्यादा फैंस को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। शरद सुरभि बहुत जल्दी एक इंटरव्यू के लिए आने वाले हैं, आज या फिर कल तक में शरद सुरभि का एक नहीं बल्कि काफ़ी इंटरव्यू आने वाले हैं। सभी फैंस को एक्साइटेड रहने चाहिए। सुरभि चंदन ने खुद अपनी स्टोरी पर एक शेयर किया था जहाँ वो इंटरव्यू तो नहीं दे पाई मगर उस जल्दी ही कह रही थी वो फिर से मिलेंगी और इंटरव्यू ज़रूर देंगी। तो फैंस को उससे एक्साइटेड रहना चाहिए और आप कमेंट करके हमें बता क्या लगता है इंटरव्यू कब तक आएगा। तो आज की खबर में इतने, लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। इन शॉर्ट, विद्रोही शूटिंग इज ऑलमोस्ट ओवर, शरद मल्होत्रा सेलिब्रेटेड सिडनी विद लव सक्सेस एंड फाइनली शरद सुरभि इंटरव्यू विद देयर ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री कमिंग सून। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।